हेलो हेलो, ऑनलाइन क्लास यस सर। कैलकुलेटर है सबके पास? जी सर। ओके, कहाँ तक हुआ था? सेक्शन वन खत्म किया था। ठीक है, सेक्शन वन में क्या था कि थियरी था। ठीक है, सेक्शन टू में टीवीएम, सेक्शन थ्री में रिक्स एंड रिटर्न। ठीक है, लास्ट क्लास जो लिखवाया था, सेक्शन वन में जो थ्योरी था उसमें कुछ लिखवाया नहीं था, उससे रेफरेंस दे दिया था कि हमें मेरा नोट। अच्छा, मैंने नोट शेयर नहीं किया ना। ठीक है, मैं नोट शेयर कर दूंगा आज। ठीक है, मैं भूल गया था। ठीक है, अगर मैं किसी कोई चीज़ नोट शेयर करने का मैं भूल जाऊँ ना, एक बार कोई पिंग कर देना कि नोट शेयर करना। ठीक है, रात में पिंग कर देना या क्लास के बाद पिंग कर देना, मैं शेयर कर दूंगा। हो सकता है मैं भूल जाता हूँ यहाँ से जाते। ठीक है, तो जस्ट फॉर रिकैप, रिकैप, फाइनेंशियल मैनेजर, एक फाइनेंशियल मैनेजर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या क्या था? लास्ट क्लास किया था हम लोगों ने, क्या क्या फंक्शंस हैं? तीन फंक्शन है, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, एक है डिविडेंड डिसीजन। सर अंदर में क्या था उससे ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किए थे हम लोग, बोले थे कि पढ़ लेना उससे नोट से, बट इतना फील आना चाहिए तीन डिसीजन है, तीन मेजर फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है, स्कोप को रिविजिट किया था हम लोगों ने। ठीक है, कुछ और क्या क्या था हम लोगों ने, कुछ स्कॉलर्स ऑथर्स का डेफिनेशन था, बोला था गो थ्रू करना। ठीक है, मैं आज जाके सारा शीट दे दूंगा। ठीक है, दूसरा तीन तीन है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर, तीन था ना। हम मानते हैं डिबेंचर होल्डर ही बैंक लोन वाले लोग हैं, कि दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, डिफरेंस मैंने बताया था क्या, बैंक बैंक लोन है वो हम लोग किससे लेते हैं, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक SBI से। डिबेंचर होल्डर कौन है, जो मार्केट से पैसा उठा के लेके आए। ठीक है, दोनों ही लोन है कंपनी के बैलेंस शीट में, कंपनी के बैलेंस शीट में दोनों लोन ही ट्रीट होगा। अब बताइए, तीन टाइप का रिटर्न है, 24%, सोचो 18%, 15% और आपका 10%। अब बताइए इसमें से तीन रिटर्न है, ये रिटर्न है, कौन रिटर्न कौन एक्सपेक्ट करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा? 18%। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर 10 की 15, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 10 की 15, आंसर इज 15। और डिबेंचर होल्डर क्या? 10। बोलने का मतलब है कि सर सबसे हाईएस्ट रिटर्न कौन एक्सपेक्ट करेगा? आंसर इज इक्विटी शेयर होल्डर, बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी। द रेसिडुअल प्रॉफिट जो कंपनी के पास सबको दे देने के बाद, देने सबको मतलब कि क्रेडिटर्स को दे देने के बाद, डिबेंचर होल्डर को दे देने के बाद, सबसे पीछे लाइन में कौन खड़ा है? इक्विटी शेयर होल्डर, बींग अ ओनर ऑफ द कंपनी। अंडरस्टूड? इसलिए जो वो सबसे पीछे खड़ा है तो वो सबसे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। क्यों? कि सर अगर सबसे पीछे खड़ा है तो सबसे ज्यादा रिस्क कौन लेके खड़ा है? सबसे पीछे खड़ा है तो सबसे ज्यादा रिस्क लेके कौन खड़ा है? इक्विटी शेयर होल्डर, है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे
अगर मैं यहाँ पे एसडी रिक्स बोलो, रिस्क रिक्स है 12%, 9% और 21%, 12%, 9%, 21%, तो किस किस कौन सा रिक्स किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को कौन सा रिक्स देंगे? 21%। उसके बाद प्रिफरेंस शेयर होल्डर को क्या रिक्स देंगे? 12%। और उसके बाद 9%। लॉजिकल है ना, जो ज़्यादा रिक्स लेगा वो ज़्यादा, जो ज़्यादा रिक्स लेगा वो ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। अंडरस्टूड है? ये तो नॉर्मल रिक्स एंड रिटर्न, रिक्स एंड रिटर्न का यही तो पे ऑफ है ना। इफ यू एक्सपेक्ट हाई रिटर्न यू विल हैव टू टेक मोर रिस्क। उल्टा भी है, उल्टा भी है, ये उल्टा भी ट्रू है। उल्टा क्या ट्रू है सर? इफ यू, अभी मैंने बोला इफ यू एक्सपेक्ट हाई रिटर्न यू विल हैव टू बियर मोर रिस्क। उल्टा भी, इफ यू बियर मोर रिस्क यू विल गेट हाई रिटर्न। उल्टा भी है ना, उल्टा भी ट्रू है। तो इतना हम लोग का डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम। क्लियर है? ऑनलाइन क्लास क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, मैंने कुछ ठीक है, एक्स्ट्रा मैंने कुछ मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं, सिर्फ रिकैप किया लास्ट में। इस पे रिविजिट करेंगे हम लोग का, रिस्क एंड रिटर्न का चैप्टर में ये रिविजिट होगा। ठीक है, सेक्शन सेक्शन वन बोल के मैंने थियोरी बता दिया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। थियोरी बताया था, कुछ लिखवाया नहीं था। ठीक है, बोला था थ्योरी से ही सेक्शन वन रिलेट करना एग्जाम के टाइम में। सेक्शन टू हेडिंग दीजिए, सेक्शन टू। सेक्शन टू क्या था? टाइम वैल्यू और मनी। हेडिंग दीजिए सेक्शन टू। सेक्शन टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टीवीएम, टीवीएम, ओके। डिस्कस हो रहा है, बहुत ही लाइट डिस्कशन है, लॉजिकल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं आता, एकदम पूरा कॉमन सेंस से के बेस पे है। आज मेरे पास 100 रुपीज़ है, आज आज मतलब इन 2024 100 रुपीज़ है। मैं ये 100 रुपीज़ घर पे बंद कर दिया, ताला पे लगा के बंद कर दिया। बताओ ये यहाँ जाके 2025 में ये 100 लिखूँ या 100 से कम लिखूँ या 100 से ज़्यादा लिखूँ? 100 से कम, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कितना कम, बस कम 98 लिखता हूँ या 95 लिखता हूँ, कुछ भी मान सकते हैं ना 95। इसका मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन कितना है? कोई बोल सकता है यहाँ पे इन्फ्लेशन? ये आपने कम क्यों बोला? क्योंकि आपको पता है कि सर वैल्यू कम हो गया क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ गया है कि नहीं? हर चीज़, हर गुड्स का दाम बढ़ गया है। मेरे पास मनी उतना ही है। पहले मैं 100 रुपया में 25 आइटम्स लेता था, आज का डेट में, पहले 2024 में। लेकिन अगर ये 2025 में जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं 100 रुपया लेके जाऊंगा, यहाँ पे 100 रुपया लेके जाऊंगा, लेकिन 25 आइटम नहीं मिलेगा। तो वो कितना मिलेगा? से 20 मिलेगा। ठीक है, कैसे निकलना है 20 वो नहीं, बस ऐसे पता होना चाहिए कि हाँ सर 20 मिलेगा, 25 नहीं मिलेगा। लेकिन उसका वर्थ, तो उसका वर्थ आज के डेट में, उसका वर्थ आज के डेट में यहाँ पे ये 100 है, इसी 100 का दाम है ना बाद में जाके 95। समझिए, 100 रुपीज था 2024 में, आगे जाके अगर मैं इसको घर में बंद कर दूं तो उसका वर्थ 95 ही हो जाएगा, रुपी डिप्रिशिएट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है कि नहीं? अब यहां पे देखिए, यहां पे अभी हमको कितना दिख रहा है, हमको कितना दिख रहा है, कितना इन्फ्लेशन है? आंसर हमको दिख रहा है 5% का इन्फ्लेशन है, देख लो, दिख रहा है ना 5% का इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस जगह इन्वेस्ट कर देता पैसा, पैसा इन्वेस्ट कर देता, जिसका वर्थ इन्वेस्ट कर देता बैंक में, इन्वेस्ट कर देता बैंक में, बैंक भी 5% दे रहा है,
अंडरस्टूड, मैं इन्वेस्ट कर दे, ये तो यहाँ से ये 95 हो गया, तो यहाँ से ये अगर मैं घर पे रखा हूँ तो उसका वर्थ 95 हो गया, ठीक है। तो इसका हमको दिखा कि इन्फ्लेशन कितना आ रहा है, 5%। अगर मैं बैंक में इन्वेस्ट कर देता, बैंक भी बोल रहा है कि मैं 5% ही दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पाया हूँ कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। कैसे कर पाया, 5% का इन्फ्लेशन देर का रेट है, 5% का इन्फ्लेशन हो रहा है, इसका मतलब कि मेरा रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है 5% से, करेक्ट, सही समझ में आ रहा है, मेरा 5% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, इन्फ्लेशन मेरा रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है 5% से, मेरा परचेजिंग पावर घट रहा है 5% से, करेक्ट, ठीक है। अगर मेरा बैंक 5% ही इंटरेस्ट दे, इसका मतलब कि वो तो एट पार है ना, इन्फ्लेशन के एट पार में है, जो इन्फ्लेशन है वही 5% ये भी है, इसका मतलब कि सर ये वैल्यू 2024-25 में जाके ये कितना हो जाएगा, अगर 5% इन्वेस्टमेंट किया जाए 100 ही रहेगा। आ रहे समझ में सर, अगर ये बैंक 6% दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ सर, 6% दे रहा है, इसका मतलब ये बीट कर पा रहा है इन्फ्लेशन को, इसका मतलब क्या है, ये समवेयर वो 102 होगा। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या आपको? यस यस सर सर, ठीक है। नहीं आ रहा तो बताओ, फिर समझाएंगे, नहीं आ रहा ना सर, मेरे पास अभी 100 रुपया है, आप समझो, आप 5 केजी है पोटैटो लिए, 100 रुपया, 100 रुपया में 5 केजी पोटैटो लिए, एक साल बाद वो 100 रुपया लेके जाएंगे, 5 केजी पोटैटो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, 3 केजी मिलेगा, ठीक है, एग्जाम्पल 3 केजी मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं सर आज के वैल्यू में जो 100 रुपया है, आज के वैल्यू में जो 100 रुपया है, एक साल बाद वो वैल्यू 100 रुपया नहीं है, वो कम हो गया है, तभी तो दे रहा है ना 3 केजी, अगर सेम होता तो भी उस टाइम भी 5 केजी देता, वो कम किस लिए हो गया, किस क्योंकि सर कॉमोडिटी का दाम बढ़ गया है, यही हो गया ना, कॉमोडिटी का दाम बढ़ गया है, इससे मेरा परचेजिंग पावर, खरीदने का परचेजिंग पावर कम हो गया है, अंडरस्टूड। तो अगर तो हमको ये फीलिंग समझ में आ रहा है सर, द प्राइस ऑफ ₹100 टूडे इज इफ इन्वेस्ट नो वेयर, इफ आई डज नॉट इन्वेस्ट एनी वेयर, द प्राइस ऑफ द 100 टूडे विल बी, क्या बोलूँ, डैश विल इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर 1 ईयर, द प्राइस ऑफ द 100, द प्राइस ऑफ 100 रुपीज टूडे विल इंक्रीज और डिक्रीज इन द नेक्स्ट ईयर, डिक्रीज, ये तो समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो सर 100 रुपया का चीज डिक्रीज हो गया है, हमको नहीं पता कितना डिक्रीज हुआ है, ये सब्जेक्टिव और कैलकुलेशन का बात है, मुझे पता है कि डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज कितना हो गया, मैंने लिख दिया अपने मन से 95 हो गया, क्लियर है, वो 95 हो गया। अब बात है कि कितना डिक्रीज हुआ, हमको तो पता चल गया ना कि ये 95 हो गया, ठीक है। अब देखो उल्टा भी तो हो सकता है ना, सोचो उल्टा, सर मेरा 100 रुपीज यहाँ का है, सोचो 2025 में मेरा 100 रुपीज है, 2025 में, 2025 में सर, इससे हम अगर बहुत बोल दें कि 500 रुपया डिक्रीज हो गया तो ये 95 हो गया, तो अगर हमको बोल, हम तो ये भी बोल सकते हैं ना कि सर अगर 100 रुपीज यहाँ पे है तो उसका वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, आ रहा समझ में, 100 रुपीज यहाँ पे है तो उसका वैल्यू यहाँ पे कितना होगा सर, कितना होगा अगर 5% का इन्फ्लेशन हो तो, पहले बताओ ज्यादा होगा कि कम होगा, अगर 100 रुपीज यहाँ पे फ्यूचर में, यहाँ पे क्या था सर, 100 रुपीज आज था तो हम नेक्स्ट डे का वैल्यू बता दिए, नेक्स्ट डे का वैल्यू बता दिए, तो मेरे को पता है कि सर हम कहीं इन्वेस्ट नहीं किए, हम कहीं इन्वेस्ट नहीं किए, ठीक है, तो मेरा वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, बिकॉज ऑफ व्हाट, इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन सेटअप सर्विस क्या है सर, हम कहीं इन्वेस्ट नहीं किए, याद रखना, तो मेरा वैल्यू कम हो गया सर, यहाँ पे भी मेरा 100 रुपीज़ है, तो आज के डेट में पीछे में क्या होगा, अगर इन्वेस्ट कम इन्वेस्ट कहीं नहीं किए, जो ड्यू टू इन्फ्लेशन मेरा यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा ना, वो तो ऑब्वियसली सर 100, सोचो 103 होगा, जिसका वैल्यू घट के 100 हो गया होगा, आ रहा समझ में, ये कहीं इन्वेस्ट नहीं करने का बात है, आप सोचो इन्वेस्ट किए हैं, आप सोचो इन्वेस्ट किए हैं,
आप सोचो इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्ट किया है सोचो 6% के हिसाब से, बैंक में इन्वेस्ट किए हैं 6% के हिसाब से। अब बताइए अगर मेरा यहाँ 100 है, 6% के हिसाब से इन्वेस्ट किए थे, अगर मेरा यहाँ 100 है, यहाँ मतलब 100 है मतलब क्या, 2025 में 100 है, तो इसका मतलब इन्वेस्ट किए होंगे तो ऑब्वियसली जो बात है यहाँ तो कम इन्वेस्ट किए होंगे ना, तभी जो जब बढ़ के यहाँ पे 100 हो गया होगा। अंडरस्टूड? तो सर कितना इन्वेस्ट किया, तो इसका होगा 100 डिवाइडेड बाई 1.06। क्या गलत, क्या गलत बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, क्या समझ में आ रही है वाला ऑनलाइन क्लास, समझ में आ रहा है क्या ये वाला ऑनलाइन क्लास, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हेलो हेलो सर, ये फिर से समझा दीजिए ना। फिर से मैं समझाता हूँ, फिर से मैं समझाता हूँ। ओके सर, ये बैंक है, बैंक एक्स लिमिट, एक्स बैंक है, एक्स बैंक है, एक्स बैंक। मैं एक्स बैंक इंटरेस्ट कितना देता है सर, एक्स बैंक इंटरेस्ट देता है 6%। क्लियर है? 6%। आज हम 100 रुपीज लेके गए, आज मतलब ईयर ज़ीरो। क्लियर है? ईयर ज़ीरो मतलब आज। तो ईयर वन में कितना मिलेगा, कोई बोल सकता है क्या? ईयर वन में कितना मिलेगा, पर मुंह का कैलकुलेशन है यार, 106 रुपया मिलेगा। ठीक है, झूठ मूठ का कैलकुलेशन पे स्ट्रेस नहीं देना है, लॉजिकल आना चाहिए फीलिंग। हाँ 100 रुपया का ब्याज है, 100 रुपया आज देंगे तो 106 रुपया 1 साल बाद मिलेगा, कोई इफ एंड बट नहीं है। क्लियर है? 106। अरे भाई हम आपसे ये पूछे कि 106 रुपया 1 साल बाद मिलेगा, तो आज कितना जमा करें, 100, यही तो है, यही तो है टोटल, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है। यहाँ मैं 100 रुपया यहाँ पे आपको दिख रहा था कि ये 100 और 100 थे, तो आप इसको यहाँ से यहाँ पे ले जाने के लिए क्या किए हैं? हम झूठ मूठ तो मैं फॉर्मूला इम्पोज कर रहा हूँ, करना नहीं चाहिए, एकदम इंस्टेंट आना चाहिए सर। 100 रुपया 6% 106 रुपया इंस्टेंट आना चाहिए, आ भी रहा इंस्टेंट समझ में? झूठ मूठ का मैं फॉर्मूला डाल रहा हूँ, देखो झूठ मूठ का मैं फॉर्मूला डाल के क्या करूँ, 100 × 1 + i का पावर, सॉरी 100 नहीं, पी 1 + i का पावर में n। देखो मैं झूठ मूठ का फॉर्मूला डालूंगा, पी क्या है मेरा 100 आई 1 + 0.06 का पावर में, ये 100 × 1.06 कितना आ रहा है, 106। सबसे बेस्ट बात है आपने बता दिया था पहले 106, ये क्या झूठ मूठ का फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला हमको नहीं लग रहा किसी को याद करने की जरूरत है सर। पी एक ये 100 × 106, ये तो एक फॉर्मूला किस लिए डाला गया है कि आपको तो 106 दिख रहा है, लेकिन अगर ये वाला फिगर अगर होता 35829 तो आप कैसे निकालते, तो फॉर्मूला चाहिए ना किसी चीज़ के लिए। अंडरस्टूड? फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला मैंने डाल दिया इस पे। ऑनलाइन क्लास क्लियर है? जी सर। ओके उल्टा सर, उल्टा भी प्रॉब्लम सबको स्टूडेंट्स के क्या होता है ना, उल्टा सोचने में प्रॉब्लम होता है, उल्टा सोचने में प्रॉब्लम होता है सर। अगर मैं ये फिगर बंद कर दूं, अगर मैं ये फिगर बंद कर दूं, तो क्या ये फिगर आप लोग नहीं निकाल सकते, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना भाई, पीछे जाए चला जाना है, ये इनटू को डिवाइड कर देना आंसर आ जाएगा। क्या झूठ मूठ का फॉर्मूला लिखा रहे हो, झूठ मूठ का, लेकिन क्या कह रहे हैं सर, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्योंकि बड़ा बड़ा सम्स में तो फॉर्मूला ही काम आएगा ना। क्या आएगा आपके पास, कौन सा फिगर, 106 यही वाला फॉर्मूला है सर, इसको क्या बोलते हैं, ए इज इक्वल्स टू पी 1 + i का पावर में एन। अभी क्या खोजे हम, ए, अब क्या दिया हुआ, पी दिया हुआ है सर, तो क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू पी 1 + i का पावर में एन, दैट इम्प्लाइज a is p is equals to a by 1 + i का पावर में n is equals to p क्या है, p is equals to a क्या है, 106 डिवाइडेड बाय 1.06
06 इक्वल्स टू 100, देख लो आया कि नहीं, आया कि नहीं। सर कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी सम्स है, बहुत ही इजी है। झूठ मूठ का मैं फॉर्मूला डाल रहा हूँ क्योंकि आपको फॉर्मूला से बड़ा बड़ा सम सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन देखो कितना अच्छा ग्रिप है इसमें, 106% बाद 106 मिलेगा। अंडरस्टूड? लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ रुपीज वन, द वैल्यू ऑफ रुपीज वन इज, क्या लिखूं, डिप्रिशिएटेड और एप्रिशिएटेड, डिप्रिशिएटेड। द वैल्यू ऑफ रुपीज वन टूडे, द वैल्यू ऑफ रुपीज वन टूडे विल बी डिप्रिशिएटेड आफ्टर एन नंबर ऑफ ईयर्स, द वैल्यू ऑफ रुपीज वन टूडे विल बी डिप्रिशिएटेड आफ्टर एन नंबर ऑफ ईयर्स, हेंस टू फाइंड द वैल्यू, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रुपीज, हेंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रुपीज एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, हेंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रुपीज एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर स्टडिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, पता चल रहा है सर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में क्या है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में वैल्यू क्या है वो पता करना है मुझे। दिख रहा है ना सर, 100 का वैल्यू आफ्टर वन ईयर कितना हो रहा है सर, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 106, दिख रहा है ना, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 106, वही वैल्यू 106 का वैल्यू एक साल पहले क्या है 100, क्यों इन्वेस्ट हो रहा है, इसीलिए कुछ नहीं करते हैं तो क्या होता, वो घट जाता वैल्यू। अंडरस्टूड? ओके, वी नीड टू कवर डिफरेंट, अच्छा क्या सेक्शन वन सेक्शन टू चल रहा था क्या यहाँ पे, मैंने क्या लिखा था, सेक्शन वन सेक्शन टू लिखा था, नहीं नहीं बोल गया, आप लिखे सेक्शन टू लिखा था ना इसके पहले, वो कॉपी नहीं लाया है। टीवीएम में क्या सेक्शन वन लिखा था क्या मैंने, स्टार्टिंग सेक्शन टू, सेक्शन टू, ओके ओके। वी नीड टू कवर डिफरेंट टॉपिक्स, टॉपिक कर लो इसको, वी नीड टू कवर डिफरेंट टॉपिक एज फॉलोज, नंबर टॉपिक वन, टॉपिक वन सिंगल कैश फ्लो, सिंगल कैश फ्लो, टॉपिक टू, टॉपिक टू मल्टीपल कैश फ्लो, नंबर थ्री एन्यूटी, नंबर फोर परपेचुटी, परपेचुटी एन्यूटी का स्पेलिंग है ए एन्यूटी, परपेचुटी, एन्यूटी परपेचुटी, टॉपिक फोर, टॉपिक फोर परपेचुटी, टॉपिक फाइव मिसलेनियस, टॉपिक फाइव मिसलेनियस। नीचे लिखे फ्यूचर वैल्यू, नीचे लिखे फ्यूचर वैल्यू, ब्रैकेट में FB, द अमाउंट दैट विल बी रिसीव्ड आफ्टर एन नंबर ऑफ ईयर्स,
द अमाउंट दैट विल बी रिसीव्ड आफ्टर एन नंबर ऑफ ईयर. प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में पीवी, ब्रैकेट में पीवी, प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में पीवी द अमाउंट द अमाउंट ब्रैकेट में पीवी द अमाउंट वैल्यू टुडे द अमाउंट वैल्यू टुडे ऑफ फ्यूचर वैल्यू द अमाउंट वैल्यू टुडे ऑफ फ्यूचर वैल्यू आई इंटरेस्ट रेट एंड नंबर ऑफ पीरियड नंबर ऑफ पीरियड. अंडरस्टूड? नीचे टॉपिक वन क्या था? टॉपिक वन सिंगल कैश फ्लो. जस्ट पूछ रहा हूँ मेरा जो 106 और 100 का एग्जांपल था इसमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कौन सा है? प्रेजेंट वाला 100 और फ्यूचर वाला 106. ठीक है, इंस्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा इलेबोरेशन करने का बात नहीं है. ठीक है, अननेसेसरी कर मैंने लिखवा दिया. अगर मैं कुछ नहीं फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू भी लिखवा देता तो भी चलता, लेकिन मैंने लिखा दिया जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन कि रहे हाँ ये है. ठीक है, आई तो पता ही है, मैं 6% बोल रहा था आई था, एक साल बोल रहा था तो पीरियड था. ठीक है, ओके. उसके बाद टॉप क्या था? टॉपिक वन सिंगल कैश फ्लो. नीचे लिखे इन दिस टाइप ऑफ सम्स, इन दिस टाइप ऑफ सम्स, इन दिस टाइप ऑफ सम्स वी विल हैव सिंगल कैश इनफ्लो. इन दिस टाइप ऑफ सम्स वी विल हैव सिंगल कैश इनफ्लो ऑब्लिक आउटफ्लो एट ड्यूरिंग सिंगल कैश इनफ्लो ऑब्लिक आउटफ्लो ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड. एग्जाम्पल मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड रुपीज 10,000. मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड रुपीज 10,000 फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 10%. वॉट विल बी द फ्यूचर वैल्यू? What will be the future value after 5 years? Solution clear है ये वाला sums? सर 10,000 बहुत easy sums है. 10,000 रुपया आज invest किया, 5 साल बाद क्या होगा? मैंने आपको example में 1 साल का investment बताया था, तो 5 साल का investment क्या होगा? ठीक है, solution देखेंगे पहले. देख लो ये समझ में आ रहा है क्या? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है. आज पैसा है 10,000. ठीक है, ये पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा? आई बोला है कितना? 10%. ये आज समझ में आ रहा है? समझ में आ रही वाला? क्लियर है? तो सर उसको कितना साल का इंटरेस्ट मिलेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? है ही ऐसा. ठीक है,
ओके ये टेबल बना लीजिए, सर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर चल रहा है ना सर? हाँ क्या बोले आप? सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी चल रहा है ना चैप्टर? हाँ 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 टाइम वैल्यू ऑफ मनी चल रहा है। ठीक है नीचे लिखे, ये एग्जाम में बनाना नहीं है, ये जस्ट फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, एग्जाम में नहीं बनाना है इसको, एग्जाम में जो बनाना है वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है नीचे लिखे, वी हैव सॉल्यूशन, वी हैव फ्यूचर वैल्यू, वी हैव प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा ये क्या है, 10,000 क्या प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है? ये क्लियर होना चाहिए सर, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है? वी हैव अरे प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में पीवी इज इक्वल्स टू 10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट आई कितना 10% और नंबर ऑफ पीरियड एन इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स, 5 ईयर्स नहीं 5, ठीक है। देयरफॉर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट में एफ वी इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई का पावर में एन, p 1 प्लस आई का पावर में एन निकालेंगे, एफ वी इज इक्वल्स टू पी क्या है मेरा 10,000 वन प्लस 0.10 का पावर में 5, एफ वी इज इक्वल्स टू 10,000 इंटू 1.10 का पावर में 5, एफ वी इज इक्वल्स टू 10,000 इंटू इसको निकालिए, कैसे निकालेंगे? अच्छा इसको हम लोग शॉर्टकट में भी तो जो पावर 5 है उसको कैलकुलेटर में शॉर्टकट भी तो कर सकते हैं ना सर? हाँ कर सकते हैं, स्टेप्स तो दिखाना पड़ेगा ना, स्टेप्स तो दिखाना पड़ेगा ना। 1,6,105.1 आ रहा है सर। ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी सर 1,6,10.51 आ रहा है। ये वाला क्या आ रहा है, फैक्टर का ये वैल्यू वाला क्या क्या है? आ रहा है, फैक्टर का वैल्यू क्या है? निकालिए सर, कैलकुलेटर कैलकुलेटर लीजिए, कैलकुलेटर लीजिए। मनीष अपना मनीष माइक अपना बंद कर दिए, वो ऑफ कर हो रहा है। आप ओके कैलकुलेटर लीजिए, कैलकुलेटर कैलकुलेटर में क्या है? सर 1,6,10.51 वो इनटू ठीक है, जिसके लिए नहीं, जिसके लिए नहीं पता है, जिसके लिए नहीं पता है उसके लिए मैं कर रहा हूँ, के लिए मैं कर रहा हूँ। कैसे मनीष अपना माइक बंद कर दीजिए थोड़ा। ओके कैसे करना है सर, कैलकुलेटर लेना है ठीक है, बटन प्रेस करना है 1.1 कीजिए कीजिए, बटन प्रेस कैलकुलेटर लेके बटन प्रेस करना है 1.1 इनटू इक्वल टू,
बस एक बार करना है, इन टू इक्वल टू कितना आ रहा है? नहीं नहीं कैसे हो रहा है, 1.10 करना है इन टू इक्वल टू इन टू फोर टाइम करना पड़ेगा उसे। एक मिनट कितना आ रहा है कैल सर? 1.21 1.21 आ रहा होगा, 1.21 आ रहा होगा, और ऊपर में यहाँ पे आपका 1.21 आ रहा होगा, देखना 1.21 आ रहा होगा ना, आ रहा है ना 1.21। ऊपर में क्या आ रहा है, 0.3 आ रहा है, 0.3 आ रहा है, 0.3 आ रहा है सर। अगर 0.3 आ रहा है, 0.3 आ रहा है, तो आपने कितना बार किया है? दो बार, आ रहा है समझ में? आपने कितना बार किया अभी, आपने क्या किया 1.10 इनटू इक्वल टू किया है ना, तो इनटू इक्वल टू किया मतलब 1.10 किया है इनटू 1.10 किया है, दो बार किया है, तो कितना आ रहा है? 0.3 आ रहा है सर। हमको कितना बार करना है इसको? पांच बार, दो बार किया तो तीन बार आ रहा है, एक बार ज्यादा आ रहा है ना, तो पांच बार करना है, तो ऊपर कितना बार आना, कितना आना चाहिए? छह बार। तो इक्वल टू दबाइए, इक्वल टू दबाइए जब तक ऊपर में छह नहीं आए, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू ऊपर में छह आना चाहिए, 1.6105 आ रहा है, कितना 16,105 क्लियर है? आ रहा समझ में सर? फिर से बता रहा हूँ, फिर से फ्यूचर वैल्यू निकालना है, इसको तो उसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, क्लियर है? फिर से बता रहा हूँ सर, ये आपको जानना जरूरी है कैलकुलेटर में। अभी आपको पाँच आ रहा है, कभी कभी 25 आएगा, 26 आएगा, 30 आएगा, गिनने में गलती होता है लेकिन देखने में गलती नहीं होता है, अंडरस्टूड? तो सर कैसे करना है, ये आपका कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर है, 1.21 1.21 आया था और यहाँ पे 3 आया था कैलकुलेटर में। 3 का मतलब क्या हो सर? 1.21 का मतलब 1.0 इंटू 1.0 किए थे तो 1.21 आया था, ये आया था ना। आपने क्या किया था, 1.10 इंटू इक्वल टू किया था, इसका मतलब क्या हुआ, 1.1 इंटू 1.1 ये 1.21 ये वाला आया था इधर पे, क्लियर है? मैंने दो बार किया था तो, और यहाँ 3 आया था, मतलब एक ज़्यादा आ रहा है, मुझे कितना बार करना है? पांच बार करना है, इसका मतलब यहाँ 6 आना चाहिए, आ रहा समझ में सर? एग्जाम क्लास के बाद कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, भूल जाएगा वो, ठीक है? फिर से तो यहाँ तक हो गया ना सर, इसमें क्या डिफिकल्ट लगा आपको? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या लगा होगा? आंसर इज फैक्टर, फैक्टर बनाना थोड़ा, ये थोड़ा ना कैलकुलेटर वर्क है, इस पर स्ट्रेस देते हैं थोड़ा सा ज़्यादा अभी, क्लियर है कैलकुलेशन पे, कि हमारा ये स्मूथ हो जाए। ये सब तो बैठा के देख के बैठाना है ना, ये तो सम्स में दिया हुआ है, 10,000 सम्स में दिया हुआ है, 10% सम्स में दिया हुआ, 5 तो सम्स में दिया हुआ है, हम लोग निकाले क्या है, हम लोग निकाले फैक्टर निकाले, फैक्टर पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, आ रहा है ना? यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे सर्कल देखिए, लिखिए लेट्स प्रैक्टिस फैक्टर, लेट्स प्रैक्टिस फैक्टर, लेट्स प्रैक्टिस टू कैलकुलेट फैक्टर, लेट्स प्रैक्टिस टू कैलकुलेट फैक्टर। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? जी सर। यस सर। ओके, लेट्स प्रैक्टिस टू कैलकुलेट फैक्टर, सम्स करवा के ज्यादा थोड़ा थोड़ा फैक्टर का प्रैक्टिस करवा लेते हैं, ठीक है? लेट्स प्रैक्टिस टू कैलकुलेट फैक्टर ऑफ फ्यूचर वैल्यू, ऑफ फ्यूचर वैल्यू, हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं, याद रखना, ठीक है? ओके
5%। आपको क्या चाहिए, परसेंट चाहिए, नंबर ऑफ ईयर चाहिए ना? 5% 20 ईयर्स। क्या लिखूं? 5% 20 ईयर। क्या लिखूं फैक्टर? 1.05 का पावर में 20, देख लो। आ रहा समझ में? 1.05 का पावर में 20। फैक्टर निकालिए इसका, कैसे निकल रहा है? 1. आप कर रहे होंगे 1.05 into equal to जितना आया होगा ऊपर में 3 आया होगा, ऊपर में 3 आया होगा, और आंसर क्या आया बताना एक बार। 1.025 यह है ना? यह है ना? थोड़ा माइक बंद करो, माइक ठीक है। 1.1025 ये आया होगा, लेकिन ये ऊपर में 3 आया, हम लोगों ने कितना बार किया है? 2 बार। अब हमको 20 बार करना है, तो ऊपर में कितना आना चाहिए? 21। एक ज्यादा, तो इक्वल टू कितना बार कहेंगे ऊपर में 21 आ जाए? इक्वल टू कितने बार ऊपर में 21 आ जाए? सो 19 टाइम्स। हाँ, 19 टाइम्स ऊपर में 21 आना चाहिए। मैं बटन नहीं गिन रहा हूँ, मैं ऊपर में देख रहा हूँ क्या आ रहा है। 2.6532 ठीक है, क्लियर है सर? तो आपको बटन गिनना नहीं है, कितने बार मैं करूँ, 1 2 3 4 5 6 नहीं गिनना है, ऊपर देखना है, कैलकुलेटर पे देखना है, कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है। दिस इज द राइट अप्रोच। गिनने में गलती होता है, ठीक है, देखने में गलती नहीं होगा। आ रहा 7% 10, इसको लिखे 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 इसको लिखिए। देख लिए, मैंने ट्राई किया लिखने का यहाँ पे, फैक्टर इनटू इक्वल टू कितने बार, एन प्लस वन शुड बी इन योर कैलकुलेटर डिस्प्ले, ठीक है, इसको लिख लो साइड में, ठीक है। लिखना तो नहीं चाहिए, अननेसेसरी ज़्यादा लिखवा रहा हूँ, बट इनकेस अगर आप लोग को एग्ज़ाम के पहले या फिर घर पे जाए नहीं रिकॉल हो पा रहा है, तो उस समय ये हेल्प करेगा, ठीक है। कैलकुलेटर स्ट्रोक फैक्टर तो समझ में आ रहा है, 1.05 इनटू इक्वल टू कितने बार, एन प्लस वन, एन क्या है मेरा 20 था, 21 प्लस वन शुड बी इन योर कैलकुलेटर डिस्प्ले। अंडरस्टूड सर? ये रेफरेंस था सिर्फ, एग्जाम के रिवीजन करते समय आपको याद रहे हाँ यही करना है, ठीक है। चलिए इसको बनाओ, बना के आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका, इसको बताइए ऑनलाइन क्लास, आंसर बताइए, समझ में आ रहा है तो आंसर बताइए। फैक्टर क्या लिखूं इसका सर? 1.96 है आंसर। 1.07 इसका आंसर क्या आ रहा है? 1.9671 ठीक है ठीक है। दो दो डिजिट, चार डिजिट तक ले लेना, चार ठीक है, चार डिजिट तक लेके चलना, ठीक है। चलिए 2.9% 6 ईयर्स, 2.9%
6 ईयर्स, 2.9% 6 ईयर्स। सपोज टू पॉइंट नाइन परसेंट 6 ईयर्स। फैक्टर बताओ, पहले फैक्टर क्या था? 1.029 का पावर में 6। वन पॉइंट वन एट सेवन वन। क्लियर है? ऑनलाइन क्लास क्लियर है? यस सर। ओके, हो गया प्रैक्टिस, यहीं तक करना है, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल टू, वो एग्जांपल वन था ना। एग्जाम्पल टू, वाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज, वाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज, वाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000, वाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 इफ इन्वेस्टेड एट 7.5%, it invested at 7.25%, if invested at 7.25% for 5 years compounded semi annually. नीचे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बार बार हम लोग पीवी प्रेजेंट वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है? पीवी वीवी लेकिन एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। पहले एक सम्स करवाया जो एग्जाम के ओरिएंटेड है, कैसे एग्जाम में शो करना है, ठीक है? प्रेजेंट वैल्यू आई, अब जो लिख रहे हैं सबका फुल फॉर्म लिखना होना चाहिए एग्जाम के पेपर में, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लिखना तो इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली, ठीक है? लिखे पीवी इज इक्वल्स टू, पीवी क्या है, पीवी क्या है, 50,000। आई इज इक्वल्स टू कितना, 7.25 बोला ना, 7.25%। नीचे नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल्स टू, सॉरी एन इज इक्वल्स टू कितना, 5। नीचे सेल्फ नोट क्वेश्चन नंबर वन, what does the term semi-annually means, what does the term semi-annually means, what does the term semi-annually means, answer, it means the bank will pay interest, it means the bank will pay interest twice in a year, ठीक है? सर सेमी एनुअली मतलब क्या हुआ, एनुअली मतलब क्या हुआ, साल में एक बार। आज यहाँ खड़े हैं 31st, मैंने 1 जनवरी को पैसा इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट कब मिलेगा, 31st दिसंबर को, इसके बीच में इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, इंटरेस्ट कब मिलेगा, 31st दिसंबर को। सर सेमी एनुअली मतलब क्या हुआ, सर साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, मज़ा तब, मज़ा है कि नहीं,
ब्याज मिल रहा है यार, खुश हो जाओ। एनुअली में क्या था, एनुअली में क्या था सर? यहाँ पे ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है आपको सर? सेमी एनुअली मतलब क्या होता है सर? एक इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा बीच में, एक इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा और प्लस प्रिंसिपल भी मिलेगा, तो फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे आएगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा। आप समझ में आ रहा है, मज़ा है ना? यहाँ पे अगर 10%, 10% सोचो, एग्जाम यहाँ पे देखो, 10% दे रहा है तो यहाँ पे 100 रुपया देते हैं कितना हो जाता, 110 होता कि नहीं? 110, तो यहाँ पे भी 10% मिलेगा, यहाँ 10% मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 120। मज़ा, लेकिन मज़ा नहीं है ये, बैंक को पता है। तो यहाँ पे कितना देगा वो, 5%, और यहाँ पे कितना देगा, 5%। अरे भाई है तो एक ही ना, समझ में आ रहा ना? मज़ा नहीं है, मज़ा तो सब लूटने आ जाता है यहाँ पे, क्लियर है? तो कितना देगा, 5%, 5%। सेमी एनुअली में रेट क्या होता है, आधा हो गया ना रेट, आधा। सर अगर अगर 20% होता तो कितना देता, 10%, 10%, ठीक है? 15% होता तो क्या देता, 7.5, 7.5। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दे, कितना साल में दे रहा था, 1 साल में? इसमें इंटरेस्ट कितना साल में दे रहा है, 6 महीना में। कितना नंबर ऑफ पीरियड हो गया, 2 पीरियड, देख रहे आपको, 2 पीरियड, 2 बार इंटरेस्ट दे रहा है, 2 पीरियड। तो सर इसमें एन कितना हो गया, टू, टू टाइम्स ना, तो 5 साल में कितना बार देगा, 10 टाइम्स, दिख रहा है आपको? सर आई कितना हो गया, आंसर इज 10% बाई टू, कितना, 5%। आ रहा समझ में? कंपाउंडेड क्या, सेमी एनुअली, क्लियर है? लिखिए क्या लिखा था, क्या लिखा था मैंने, हाँ, इट मीन्स क्या लिखा, ब्रैकेट में मज़ा, ब्रैकेट में मज़ा, ब्रैकेट में मज़ा, आपको फील आना चाहिए ना, मज़ा आ रहा है, 2 बार दे रहा है इंटरेस्ट। फिर नीचे लिखे बट, बट बी केयरफुल, बैंक विल पे इंटरेस्ट एट आई बाई टू, है कि नहीं? बैंक विल पे इंटरेस्ट एट आई बाई टू एंड एन इज इक्वल्स टू, एंड एन इज इक्वल्स टू, एंड 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 सॉरी, पीरियड इज इक्वल्स टू एन इंटू टू, क्लियर है? आ रहा है समझ में? मजा नहीं है, क्लियर है? फिर क्वेश्चन नंबर क्या था, 1, 2, 2, नहीं अभी क्या खत्म हुआ, 2 की 3 खत्म हुआ, 1 खत्म हुआ, ठीक है? नंबर 2, व्हाट डज क्वार्टरली मींस, व्हाट डज कंपाउंडेड क्वार्टरली मीन्स, वाट डज कंपाउंडेड क्वार्टरली मीन्स, वाट डज कंपाउंडेड क्वार्टरली मीन्स, आंसर क्या लिखे? नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल्स टू एन इंटू 4। आ रहे हैं समझ में? एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल्स टू एन इंटू 4, रेट रेट इज इक्वल्स टू आई बाई 4, क्लियर है? ऑनलाइन क्लास क्लियर है? यस सर। ओके, फिर
व्हाट डज कंपाउंडेड मंथली मींस, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कंपाउंडेड मंथली मींस, आएगा टर्म, ये सब टर्म आएगा आपके पास, लिख लीजिए आंसर, खुद ही आंसर लिखिए, इसका आंसर खुद ही लिखिए। एन क्या कर रहे होंगे, 12 इंटू एन, नंबर ऑफ पीरियड 12 इंटू एन, रेट इज इक्वल्स टू आई बाई 12, ठीक है। ऊपर में क्या लिखे थे हम लोग, सम्स किए थे ना, थोड़ा सा करके फिर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे ना, फिर नीचे लिख दिए, देयर फॉर सम्स कंटिन्यूड, सम्स कंटिन्यूड, सम्स कंटिन्यूड, अंडरलाइन नीचे, नेक्स्ट लाइन, फ्यूचर वैल्यू एज पर इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, फ्यूचर वैल्यू एज पर इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, फिर नीचे लिखेंगे, ये अभी क्या सेमी एनुअली लिखवाए थे क्या मैंने, सम्स मेन सम्स में क्या था, सेमी एनुअली, अच्छा सेमी एनुअली, सॉरी सेमी एनुअली, ठीक है। देयरफॉर द फ्यूचर वैल्यू एज पर इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, एफ वी इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई का पावर में एन, पी कितना है 50,000, रुको, प्लस आई क्या लिखूं, 1 प्लस आई कितना था मेरा 7.25, इसका आधा कितना हो रहा है, इसका आधा कितना हो रहा है, लिखना नहीं है, देखना है सिर्फ, 3.625, देखो तो सर, 3.625, हाँ 3.6, तो इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर क्या होगा, 0.03625 होगा ना, लिखना नहीं है, देखा हो अभी, 1.0.0, जीरो पॉइंट जीरो 3625 का पावर में, ऊपर में कितना लिखूं, कितना ईयर लिखा था, 5 ईयर लिखा था ना, 10 पीरियड होगा, लिखो, जब मैंने एन लिखा है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं लिखा है, मैंने एन में नंबर ऑफ पीरियड लिखा है, इसमें कितना पीरियड था, 2 पीरियड हो गया था, तो ये 10 होगा ना, ठीक है। चलिए आपने, आप ये लिखिए बगल में, यहाँ पे आपका जगह होगा, आपने आप यहाँ लिख रहे होंगे, इस बगल में जगह होगा, लिखिए एन इज इक्वल्स टू 5 × 2 इज इक्वल्स टू 10, आई इज इक्वल्स टू 7.25 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3.625%, इसको सॉल्व करना, सॉल्व कीजिए, आंसर बताओ, जल्दी जल्दी
कैलकुलेटर इसीलिए आप लोग को रखना है कि ये सब चीज़ आपको एकदम फास्ट करे अपना कैलकुलेटर में, ठीक है? नहीं तो एग्ज़ाम में ये करते ही रह जाएंगे। कैलकुलेशन पूरा एकदम आपके फिंगर टिप में होना चाहिए। क्या रहा है? 50,000 इंटू 4.2625 चेक कीजिए तो ये होगा कितना आ रहा है, ये 4.625 गलत सर, ये 1.4277 होगा। कैलकुलेटर इसीलिए रखो अपने पास, अगर किसी को कैलकुलेटर चलाना नहीं आ रहा है ना तो उसको वो पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है उसका, एग्जाम में बनेगा ही नहीं सम्स, ठीक है? नीचे लिखिए, नीचे रीडूइंग द सम्स, रीडूइंग द अबव सम्स, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है? ये आप घर पे करना, ठीक है? हो जाएगा ना? ओके, नेक्स्ट। इसके लिए जगह छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू, पहले मेरा क्या था, टॉपिक 1 में मैं क्या करवाया था, फ्यूचर वैल्यू, सिंगल टॉपिक 1 सिंगल कैश फ्लो था, उसमें नंबर 1 था फ्यूचर वैल्यू, लिखवाया था क्या ना, फ्यूचर वैल्यू, नंबर 2 प्रेजेंट वैल्यू, नंबर 2 प्रेजेंट वैल्यू, सर क्या करें, यहाँ पे पूछ रहा हूँ, आंसर क्या आया था, 71,000, 71,387। इसमें क्या क्वेश्चन है, प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, उसमें क्या था, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना था, तो इसका इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, कितना होगा ऑनलाइन क्लास, कितना होगा इसका प्रेजेंट वैल्यू, 50,000, कोई बोलना ही नहीं है भाई, वही होगा ना, कैलकुलेशन है, पूछा था इसका वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब इसका वैल्यू यहाँ पे ये यह होगा, यही तो प्रेजेंट वैल्यू है, आज का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ 71,387 नाउ, वेयर द 71,387 स्टैंडिंग आफ्टर 10 पीरियड, आफ्टर 10 पीरियड कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है? लेकिन द वैल्यू ऑफ 71,000 टुडे विल बी 50,000, तो क्वेश्चन क्या बनेगा सर, क्वेश्चन यही बनेगा, आपको ये वाला सम दे देगा, ये वाला फिगर दे देगा और आपको बोलेगा ये निकालो, हार्ड नहीं है, ठीक है? लिखे, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 1,20,000,
व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 1,20,000 1,20,000 इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट 5% फॉर 7 years. क्लियर है सर? फील के लिए बता रहे हैं, जस्ट कॉमन सेंस. कंपाउंडेड एनुअली, इफ द कंपाउंडेड एनुअली फॉर एनुअली 5% फॉर 7 year. फील के लिए बता रहा हूँ, 1,20,000 कहाँ खड़ा है? एक लाख बीस हजार कहाँ खड़ा है? अब यहाँ खड़ा है कि 7 साल बाद खड़ा है? 7 साल बाद खड़ा है. सर आज का वैल्यू क्या हुआ, 1,20,000 से कम या 1,20,000 से ज्यादा? कम. सबको पता सर आज का वैल्यू कम होगा, तभी तो वो इन्वेस्ट होकर 7 साल बाद 1,20,000 बनेगा. क्लियर है? तो लिखे सेम उसी के तरह सर, उसी के तरह लिखेंगे सॉल्यूशन. वी हैव फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू, वी हैव ए वी इज इक्वल्स टू 1,20,000. वी हैव ए वी इज इक्वल्स टू 1,20,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कितना? 5%. एन इज इक्वल्स टू 7 years. पी वी इज इक्वल्स टू एफ वी होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस i का पावर में एन. देखो सेटिस्फाई करो, गया गलत? ये समझ में आ रहा है क्या फॉर्मूला? ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कुछ नहीं किया, अलजेब्रा किया है खाली, उसको उठा के नीचे रख दिया है तो वही सम वही फॉर्मूला है. ठीक है, देखिए एफ बी कितना है, 1,20,000 1 प्लस 0.07 का पावर में 5, तो 1,20,000. इंटरेस्ट तो 5% है सर. उल्टा लिख दिया क्या मैंने? जीरो पॉइंट जीरो फाइव का पावर में 7, तो 1.05 का पावर में 7 कितना आ रहा है? कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको? कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाइए सर. 1.4071. ये तो ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे 1,20,000 इंटू 1.1.05 का पावर में 7, यही है ना? तो प्रॉब्लम तो इसको सॉल्व करने में, कैसे करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 1.05 इक्वल टू कितना आया है? 0.9523. सर ऊपर में ये कैलकुलेटर का स्क्रीन है, ऊपर में क्या आया है? 3. सर अभी कितना बार किए हैं? एक बार किए हैं डिवाइड. ऊपर में कितना आया है? 3. मुझे कितना बार डिवाइड करना है? 7. ऊपर में कितना आना चाहिए? कितना ज़्यादा आ रहा है एक बार डिवाइड करने से? कितना आ रहा है? 3. दो बार ज़्यादा आ रहा है ना, एक बार डिवाइड करने से ऊपर में दो बार ज़्यादा आ रहा है, लेकिन 7 बार करना, ऊपर में कितना आना चाहिए तब? 9 बार. आ रहा है समझ में? कितना आ रहा है ये? इंटू 1,20,000. आ रहा समझ में? कितना आ रहा है? 1,20,000 0.7106. एट फाइव टू सेवन टू
क्लियर है, आ रहा है? सर जो नंबर ऑफ इयर्स था वो तो 7 इयर्स था ना सर। 7 इयर्स ही तो है। हाँ तो अगर इसको अगर हम लोग करेंगे तो सर 1.4071 आएगा सर, आपका तो 0.71 आया पहला सर। बात तो आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, इंटू नहीं कर रहे हैं, तो आपको लिख करना होगा 1 डिवाइडेड बाय 1.05। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.05, ये पीवी हो रहा है। पीवी आपको बताया था मैंने, फील लगाया था कि सर पीवी पीछे आता है, कम होगा, आज वैल्यू कम होगा तभी फ्यूचर में ज़्यादा होगा वैल्यू, पीवी हो है। ठीक है, दूसरा चीज फ्यूचर वैल्यू में क्या था, ऊपर में एक जोड़ा थे, वन जोड़ के आता था, सुनिए इधर, ऊपर में वन जोड़ के आता था प्रेजेंट वैल्यू में, सॉरी फ्यूचर वैल्यू में, ये वन यही होता था ना, ऊपर में वन जोड़ के आता था, इसमें क्या आता है, ऊपर में दो जोड़ना होगा। क्लियर है? इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। हाँ यही तो चैलेंजिंग है, लिखिए। ये आ गया क्या सबका? हाँ सर आंसर वैसे भी मैंने जैसे किया सर वैसे भी आंसर निकल रहा है सर। क्या किया आपने? सर मैंने क्या किया, मैंने जो पीवी फ्यूचर वैल्यू था उसका जो वैल्यूज जो इंटरेस्ट था उसको 1 के साथ प्लस करने के बाद उसको मैंने एक टाइम प्रेस किया, मतलब कैलकुलेटर में एक टाइम से आया उसको, फिर मैंने 1,20,000 से मतलब नहीं, डिवाइड आपने कर दिया। आपका कैलकुलेटर का स्ट्रोक क्या है? क्या मतलब कौन सा कैलकुलेटर है वो पूछ रहे क्या सर? हाँ, कैलकुलेटर का स्ट्रोक क्या है? सबसे पहले क्या किया आपने? सर मैंने मतलब क्या सर आप एक्सप्लेन कीजिए, मैं बाद में ठीक कर लूंगी सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इसको लिख देते हैं। उस टाइम क्या लिखे थे, लेट्स प्रैक्टिस, क्या लिखा था? क्या लिखा था मैंने नीचे, यहाँ लिखा लेट्स प्रैक्टिस टू कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, लेट्स प्रैक्टिस टू कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। क्या क्या था परसेंटेज उसमें, लिखिए। 5% अब्लिक 20 ईयर्स, सेम इसे क्या करते हैं, 5% अब्लिक 20 ईयर्स, तो क्या लिखेंगे, 1.1.05 का पावर में 20, यही होगा ना, 1 डिवाइडेड बाय 1.05 का पावर में 20 करते हैं। तो क्या आ रहा है, वन आप लिखेंगे 1.05, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 1.05 इक्वल टू कितने बार करेंगे, जब तक ऊपर में 22 आना चाहिए, 22 ऊपर में 22 आना चाहिए। क्या आ रहा है आंसर, 0.3768। नेक्स्ट, 7% 10 ईयर। हाँ तो 2 to the power 20 है, क्या फिर से बताइए। 1.05 उसको ऊपर 20 है तो 21 ही आएगा ना, अगर एक इधर ज्यादा आता है। एक भी ज्यादा नहीं, एक ज्यादा मैं फ्यूचर वैल्यू के लिए बोला था, प्रेजेंट वैल्यू के लिए दो अच्छा ज्यादा। ठीक है ठीक है, बगल में आप लिख लीजिए जी सर। कैलकुलेटर, बगल में कैलकुलेटर स्ट्रोक लिख दीजिए, बगल में कैलकुलेटर स्ट्रोक,
वन डिवाइडेड बाय फैक्टर इज इक्वल्स टू, वन डिवाइडेड बाय फैक्टर इज इक्वल्स टू, कैलकुलेटर के स्ट्रोक लिखो, वन डिवाइडेड बाय फैक्टर इज इक्वल्स टू, कैलकुलेटर का स्ट्रोक लिखिए, वन डिवाइडेड बाय फैक्टर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे एन प्लस टू शुड बी डिस्प्ले इन योर कैलकुलेटर, ठीक है, एन प्लस टू शुड बी डिस्प्लेड इन योर कैलकुलेटर। प्रेजेंट वैल्यू के लिए टू और फ्यूचर वैल्यू के लिए वन। क्लियर है? ये वाला बताओ, वन पॉइंट जीरो सेवन का पावर में टेन, क्या रहा आंसर, क्या रहा है, जीरो पॉइंट फाइव जीरो एट थ्री। ये बताइए, वन पाई वन पॉइंट जीरो टू नाइन का पावर में सिक्स, क्या रहा है, क्या रहा है, जीरो पॉइंट एट फोर टू थ्री, चेक कर लेना ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लास चेक कर लीजिएगा। सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझा दीजिए ना। सर देखिए, सबसे पहले क्या कर रहा है, इसका करते हैं वन पॉइंट जीरो फाइव, ये क्लियर है, ये वाला क्लियर है? नो सर। आप देखिए, फाइव इयर्स, सॉरी फाइव नहीं, फाइव परसेंट ट्वेंटी इयर्स, ये क्लियर है? जी सर। ये क्लियर है यहाँ तक? सर ये वाला चीज को ही हम लोग फाइव को क्या लिखे हैं, 0.05, और 20 को क्या लिखे हैं, 20, ये क्लियर है? यस सर। अब अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू लूं, तो आपको पता है सर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एफबी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई का पावर में एन। तो एक्चुअली में ये क्या है, एफ वी इज इक्वल्स टू वन एफ बी इन टू वन बाई प्लस आई का पावर में एन। तो हम लोग तो ये इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है? यस सर। ये सॉल्व कर रहे हैं, तो सर ये वाला में आई क्या है, 5%, वन डिवाइडेड बाई 1.05, ये क्लियर है? ये क्लियर है? यस सर। ये इसको इधर सॉल्व करना है अभी हम लोग को, क्लियर है? यस सर। अब क्या करना है, आपको कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा, इधर आप कीजिए वन डिवाइडेड बाय 1.05 कितना आ रहा है, वन डिवाइडेड बाय 1.05 कितना आ रहा है कैलकुलेटर में आपका, 0.523, ठीक है? ये आपका कैलकुलेटर का स्क्रीन है, देखिए दिख रहा है आपको? यस सर। और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे 3 आ रहा होगा, देखो ऊपर में नंबर्स,
आ गया समझ में? यहाँ पे थ्री आर, सर। यहाँ पे थ्री आ रहा है आपका, हाँ सर। थ्री आ रहा है, इसका मतलब देखिए आपने एक ही बार डिवाइड किया है तो थ्री आ रहा है, मतलब एक बार का ट्रीटमेंट करने पे आपको थ्री दिख रहा है। इसका मतलब आपको ट्रीटमेंट कितना बार दिखना दिख करना है? 20 बार, तो इसका मतलब यहाँ पे 23 आना चाहिए। हमेशा एक दो ज्यादा आ रहा है, देख लो। जी सर, समझ में आ रहा है? जो ट्रीटमेंट आप करेंगे पीवी, पीवी के केस में जो ट्रीटमेंट करेंगे उसमें दो ज्यादा आएगा, दो ज्यादा आएगा, तो आपको 20 करना है, तो इसमें ऑब्वियसली आपको 23 तक लेके आना पड़ेगा। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, देखिए 23 तक लेके आइए, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, देखिए 23 तक लेके आइए उसको, 23 नहीं 22 तक ना, सॉरी 22 तक ना, 22 तक, 22 तक, 22 तक, इतना 22 तक लेके आइए, दो ज्यादा करना है आपको। yes, कितना आ रहा 22 तक आने पे सर? 0.3583। ये कहाँ, ये क्यों आ रहा है ये ऐसा? तो 22 तक करने से सब 0.4155 आएगा सर। क्या कर रहे हैं आप लोग? जीरो पॉइंट 3768 ये आएगा, 22 तक करने से ये आ रहा है, ठीक है? हाँ सर, हाँ। गलत मत करो भाई, इनिशियल स्टेज में गलत मत करो। आपका अगर नहीं समझ में आ रहा है पूछो, मैं फिर से बताऊंगा। मैं एक क्लास भी दे दूंगा कैलकुलेशन करने के लिए, बिकॉज दिस कैलकुलेशन इज द बेस ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर क्लासेस, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, आप इसको भी कीजिए, यही आंसर आएगा। ठीक है, ओके। नीचे रीड री नीचे लिखिए, रिविजिट द सम्स, रिविजिट द सम्स, revisit the above sum, revisit the above sum, if interest is compounded quarterly and monthly, revisit the above sum, if interest is compounded semi, sorry, revisit the above sum, if interest is compounded semi annually and quarterly, if interest is compounded semi annually and quarterly, मंथली करने से गंदा हो जाएगा, 12 से वो करना पड़ेगा, ठीक है? मैं गंदगी नहीं चाहता, मैं चाहता कॉन्सेप्ट आपके पे बिल्ड हो जाए, कॉन्सेप्ट क्या है, करना कैसे है वो तो हमको पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, सिंगल कैश फ्लो खत्म हो गया, ठीक है, नेक्स्ट मैं मल्टीपल कैश फ्लो बताऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेटर लेके आना, ठीक है? यू कैन सी कितना इम्पोर्टेंट है कैलकुलेटर, ठीक है? नहीं तो नहीं होगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके फाइन, कैलकुलेटर लेके रखिएगा, थैंक यू।